मैं बता देता हूँ, खुद ही बता देता हूँ। डिलॉयट का एक्सपेक्टेड CTC है 13 13.5। गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत ये कहाँ से होती है भाई? ये क्या बड़ी अलग सी शुरुआत है। हम आ चुके हैं, तो ये हम आ चुके हैं वहीं पे फार्म हाउस जहाँ पे बन रहा है। और पापा भी है, मिनी भी है। मिनी ढूंढो कहाँ पे है, जरा दिख रहा होगा। ये इन्हीं के साथ ही हो जाता है, ये इनके बीच में मिल जाता है, इन्हीं जैसा हो जाता है फिर ये। ठीक है, जोक सपाट। तो आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। यार लेंस गंदा है, एक मिनट साफ करता हूँ। यार क्या दिक्कत है। तो आज के ब्लॉग की करते हैं इसके साथ शुरुआत बढ़िया से दिन की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ गए थे हम घूमते घूमते सुबह सुबह, और इसके बाद क्या करना है क्या करना है फिलहाल। और सबसे बड़ी बात भैया आज आ चुकी है, ICI कैंपस की प्लेसमेंट की शॉर्ट लिस्टिंग। देख रहे हो भाई, मतलब कैंपस प्लेसमेंट की शॉर्ट लिस्टिंग क्या। ये वैसे अपडेट होती रहेगी एक दो दिन के लिए, पर एक बार को मैं शाम को जो है ना ये ब्लॉग ख़त्म करते करते मैं कल सुबह तक बता दूंगा क्या आया क्या नहीं आया। और ये देखिए ज़रा, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या बढ़िया बढ़िया काम चला हुआ है। और वो दीवार देखो कितनी ज़्यादा हो गई है सामने वाली, पहले इतनी नहीं थी ये, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ से थोड़ी देर में चलेंगे, यहाँ घुमाई फिराई करने आ चुके थे। और वो देखो सुबह सुबह लोग लकड़ी लेते जाते हुए जंगल से अपने गाँव के लिए, और वहीं पर गाय चरते हुए, और यहाँ पर पानी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, चिड़िया है चाहे चार या सब लोग बैठे हुए हैं, तो हम भी यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं सुबह सुबह। बैठ जाते हैं भाई आराम से, खड़े क्यों हैं। वैसे तो हम घूमने ही आए थे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे, पर बैठ जाते हैं खड़े होके क्या कर। चलते हैं फिर, पापा कह रहे 10 बज के चलना है, नहाना धोना भी, पापा को काम जाना होगा कहीं पे, तो जल्दी से घर चलते हैं फटाक से पहले, फिर उसके बाद करते हैं अपना आगे का आज दिन की शुरुआत। गीजा एक ये एक हो रहा है वो भाई, ये कैसे कैसे पड़ा हुआ जैसे, इसके पता नहीं क्या हो गया, पर धूप सेक रहा है इस टाइम पे। ओए नाराज हो गया कि मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाया तुम, इसको खिलाया खाया ही नहीं इसने। आ गया, अब आया ना, अब आया ना, चल चल चल। ओ भाई फिर गिर गया, खेलने का मन कर रहा है इसका इस टाइम पे। खड़ा खड़ा खड़ा, अब कुछ नहीं करेगा, जब मैं आगे चला जाऊंगा ना फिर अपने आप आएगा। देखो आ गया उठ के, अब मैं रुक जाऊंगा फिर गिर जाएगा यहाँ पे आके। ये तो बहुत पुराना है, तो अब यहाँ से चलते हैं। सुबह सुबह आ गए थे, चले फिर नहाना है, चल के सबसे पहले नहाना है सबसे पहले चल के। रुक जा। क्या रुक जा, क्यों रुक जा? तो भाई ये नहाने के लिए तो बहुत ज्यादा रोता है ना, क्यों ऐसा क्यों है? क्यों नहीं है पसंद, नहाना तो होता ही है। तो गाइस भाई अपन निकल चुके हैं, शाम का टाइम हो चुका है। और भाई तुम्हें एक चीज दिखाऊं मैं सबसे पहले, भाई क्या हुआ हमारे, यहाँ पे लगा रखी थी गोभी, दो गोभी दिख रही है आपको, ये दोनों कोई चोरी करके ले गया भाई गोभी यहाँ से हमारी। और तो क्या बताऊँ मैं, पहले बहुत बार हो चुका है ऐसा, कभी गोभी चोरी हो जाती है, कभी कुछ चोरी हो जाता है यहाँ से। पहले एक बार बैंगन, पता क्या करते हैं लोग, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से इसको उठा के और यहाँ से हाथ डाल के नीचे से गोभी का फूल तोड़ के लेके गए। छोटे छोटे थे भाई, सब्जी भी नहीं बनेगी उनकी ढंग से, चोरी करनी तो बड़े की करते। अपन अपना बोतल कहाँ है पानी की है, मेरे को दूसरी दे दो, स्टील स्टूल वाली नहीं प्लास्टिक वाली दे दो, इसमें नहीं पड़ी, बढ़िया स्टील वाली नहीं। जैसे कि ट्यूसडे है तो मैंने सोचा यार सबसे पहले ना मंदिर पे आ जाता हूँ, ठीक है, बहुत ही टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए मंदिर में। तो अभी चल रहे थे, चलते चलते थोड़ा सा टाइम था अपने पास, तो मैं कहा चलो सबसे पहले मंदिर चलते हैं, अंदर चलते हैं माथा टेक कराते हैं। ये देखो भाई क्या ही शांति है भाई, यहाँ पे आने के बाद तो मतलब ऐसे ही लगता है कि बस चुपचाप चुपचाप देखते रहो। चल रही है बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, और ठीक है मतलब इस टाइम पे मंदिर आना बहुत बढ़िया रहता है। शाम को तो ठंड हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है और शाम को भीड़ भी थोड़ी सी हो जाती है, तो ये मुझे सबसे बेटर लगा क्योंकि ठीक है तो यहाँ पे इस टाइम काफ़ी लोग आ रखे होते हैं। तो आज वैसे भी ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे को तो काफ़ी लोग आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत मान्यता है इस मंदिर की, हनुमान जी का मंदिर वैसे ही है जैसे आपको दिख रहा है पीछे को, तो ट्यूसडे को काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं अपना सीधे सीधे, तो कितनी शांति है आप खुद ही देखो यार। यहाँ पे तो मैंने चश्मे तो ले लिए थे मम्मी और के सबके, और अब बस पार्वी भी आ गया, अब उसके पास ही चलते हैं, और तो दूसरा प्लान था वो तो अपना कैंसिल हो गया, तो वहीं पे चलते हैं भाई, अपना एक ही काम है उस स्टोर में जाना फिर से, ये टूट जाएगा थोड़ी देर में,
फिर उसके बाद वही टाइम पास करते रहेंगे। और यहाँ पे देखो भाई शाम को खाने की मार्केट भी बढ़िया बढ़िया लग चुकी है। कैसे हो भैया? भैया देख रहे, कह रहे क्या होता है भाई, यही है करने को, और कुछ तो है नहीं हमारे पास करने को, हम ठहरे वेले बंदे। अब चलते हैं अपना आराम आराम से, चश्मे चुश्मे ले लिए, एक ठीक कराना था वो ठीक भी करा लिया है, ठीक है। एक और था मम्मी वाला, वो ठीक नहीं हुआ, कहते कि भाई वो तो टूट ही गया है, पुराना था मम्मी का तो वो तो टूट ही गया है भाई। अब चलते हैं सीधा सीधा यहाँ से, और शाम भी होने को आई है, गर्मी भी बहुत हो गई है भाई, मुझे स्कूटी के अंदर फिलहाल बहुत गर्मी लग रही है। मिलता है बढ़िया बफे एट 99 ओनली, क्या बात है भाई, ये तो मैंने अब देखा भाई, बफे एट 99, क्या बात है, ट्राई करना पड़ेगा कभी बफे एट 99, देखे तो भाई कितना बढ़िया है। कहाँ भाई, एक वो 800-900 रुपए का देते हैं बारबेक्यू नेशन वाले, कि बफे एट 99, चलो देखेंगे जरूर। हो रही है बच्चों की छुट्टी, स्कूल के बच्चों की, हमने गाड़ी हमारी यहीं पे पार्क करनी है, और यहाँ पे बच्चों की हो चुकी है छुट्टी। अरे भाई साइकिलिस्ट भाई, देख के चला ले थोड़ा सा, इतनी तेज क्या, बिल्कुल ही मेरे अंदर मारेगा। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं अपनी, बच्चों के बीच में स्कूल वाले। अरे भाई आगे देख ले छोटू, अंदर आएगा क्या, एक तो भरोसा ही नहीं है, थोड़ा सा आराम आराम से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, और भाई आता ही होगा पारुल भी, तो अब चलते हैं ज़रा हमारी एक ही जगह पे भाई, जहाँ से सामान लेना होता है पारुल को, ठीक है, मेगा बॉक्स। क्या बात है, दिन पर दिन सेहत बढ़ती जा रही है तुम्हारी। बहुत ज्यादा होती जा रही है दिन पर दिन। कल से कम ही गया। पक्का? हाँ, 100%। चलो देखते हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया एकदम। कैसे हो भैया, निकलवा दिया? अपनी लंदन ब्यूटी को अपने साथ, ठीक है, बहुत बढ़िया साइकिल है ये, टॉकरी के साथ लगी हुई है, जिसमें हम सब्जी सब्जी लेने जाएंगे। अब मजाक कर रहा हूँ भाई, ये भी एक राइड है, मतलब कि डिलीवरी से पहले की, तो इसको भी चला के देख लेते हैं ज़रा, ये भी बहुत बढ़िया है चलाने में, तो ब्रेक ब्रूक और चेक कर लेते हैं इसकी, बस देख लीजिए ज़रा, ये है अपनी लंदन ब्यूटी, लंदन की क्वीन कुछ भी कहो, मतलब यार साइकिल बहुत बढ़िया है ये। कैसा लग रहा है आपको लंदन में आकर? ब्रेक तो नहीं है भाई, ब्रेक तो ऐसे ही है, बाकी लग बहुत बढ़िया रही है। पारुल की नई साइकिल, पारुल की नई साइकिल आ गई है, हैं? दूध दूध सब्जी सब कुछ ला सकते हैं इसमें। मैं, मेरी तीसरी साइकिल, वैसे मतलब ये हमारी पांचवी साइकिल है, तो ये भी बढ़िया है, ठीक है, सारी पन्नी पैक साइकिल एकदम बढ़िया बढ़िया। टेस्टिंग करते हुए हम यहाँ पे, ये हो चुकी है अपनी सातवीं आठवीं, आठवीं साइकिल तैयार एकदम, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कराओ भैया साइकिल की टेस्ट। कुछ भैया क्या कर रहे हो आप? अरे क्या बात है भैया, यार आपने तो दिल खुश कर दिया यार, आज हमारा, हमारी वीडियो चल रही है अंकुश भैया, अगर आप लोगों ने नहीं पहचाना अंकुश भैया, भैया जिन्होंने अपने अमेजोन की बस आज देर के अनबॉक्सिंग करी थी ना भैया। और भैया आप नया फ़ोन तो दिखाओ आप, ये देख रहे हो भैया, भैया अभी 11 प्रो ले आए हैं नया एकदम बढ़िया। चलो ठीक है, बढ़िया फ़ोन है भैया का, अपना ब्लॉग चल रहा है, ले भैया देखो भी करो भैया, सब्सक्राइब करो, कर ऑन कर दो यार, चार्जिंग पे लगाया अभी, कराना भैया बाद में, ठीक है, सही नहीं चार्जिंग, चार्ज पक्का कराना भैया। चलो ठीक है फिर, पन्नी पैक्स होता है। तो भाई अपनी फेवरेट कुर्सी पे आ चुके हैं मसाज वाली पे, हां हां हां, क्योंकि थक जाते हैं ना काम करके, तो फिर जरूरी होती है। चले फिर, हां 8000 में एक पार्ट डलवा के दूंगा मैं, एक पार्ट डलना उसमें, भाई मिलते हैं। मैं घर पे आ चुका हूँ, और ये लाया हूँ चश्मा निकी का, देख कैसा है, ये वाला भी टाइट हो गया तेरा, पहन पहन। तो गाइज ये था निकी का चश्मा, और एक मम्मी वाला दिखाता हूँ, क्या खा रही है कुछ? नहीं। अच्छा ऐसे मुंह फुला रखा है, ये देखो निकी का चश्मा, अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है। मम्मी वाला और दिखाता हूँ, पापा को दिखा, मम्मी वाला दिखा, दिखाना आप वाला चश्मा दिखाना, ये मम्मी का चश्मा, ठीक है, दिख रहा है एकदम साफ ऊपर नीचे से, दिख रहा है, हाँ ठीक दिख रहा है। और ये मिनी पढ़ाई कर रहा है इस टाइम पे, 200 रुपये ले रखे इस बार एमआरपी, कहाँ से गड़बड़ थी यार, ये काली हो रही है थोड़ी सी, ये काली पड़ और बस ये हल्की सी ऐसे लगी है, बड़े बड़े लगी, दो सौ पाँच, वैसे तो 800 रुपये की है वो, 500 भी देते हैं, ये थोड़ी पुरानी है 200 भी देती, इसका अंदर तो है थोड़ा, हाँ अंदर ही है थोड़ा सा, अंदर किसके निक्के वाला चश्मा पहन के देख रहे हो, दोनों है इसमें, हाफ हाफ है, नीचे से नजदीक दिखेगा,
हो गया साफ दिखने लग गया। तो भाई मैं फिर पैर था लेट हुआ था 9 बज गए थे। अब देखते हैं जरा खाने में क्या है। खाने में चटनी है क्या? चटनी ही है जिसमें दूध है। खाते हैं खाना, पहले हाथ में धो के अच्छे से पूरा, फिर खाना खाएंगे अपना। और चटनी पर रोटी ठंडी हो गई तो अब गर्म करनी पड़ेगी चटनी यारी। तो अब गर्म करते हैं पहले रोटियों को थोड़ा थोड़ा। पे कौन आ चुका है आज? यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा एक बात तो बता, तू गिर गया आज मैंने सुना ना। यहाँ पे पैडियो के नीचे दिखा कहाँ लगी है, बता तो कहाँ लगी, कहाँ लगी है बता तो दे। तो भाई देखा आपने ये ब्लॉग आज का जो भी था हमारा, ठीक है। तो भाई एक चीज मैं कह रहा था सुबह, जो मैं बता रहा था कि कैंपस प्लेसमेंट की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है। तो जो जैसे अभी तक तो मेरे पास 5 कंपनीज आई है सिर्फ, ये क्या पता बाद में अपडेट हो जाए तो एक दो और आ जाए। और जो 5 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट जो है, डेलॉयट, PwC, EY और एक जेनपैक्ट और एक HDFC बैंक। तो ये 5 आ चुकी है। और जो इनके ये एक्सपेक्टेड CTC होगा ना, एक्सपेक्टेड CTC वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जो इसका एक्सपेक्टेड CTC आएगा ना जितना भी। तो ये दोनों तीनों चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जैसे भी होएगा, वो देख लो आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे सब दिख रहा होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, खुद ही बता देता हूँ, डेलॉयट का एक्सपेक्टेड CTC है 13-13.5 मतलब तक अलग अलग क्रिटेरिया के साथ 12 से 13 के बीच में ऑलमोस्ट। और PwC का 12-10 है, EY का थोड़ा ज़्यादा है शायद, उसका 13 कुछ है, ठीक है। HDFC का 10-11 पर HDFC तो बहुत ही मतलब क्या बताऊँ मैं, पर्क्स ऐसे गंदे गंदे हैं, मतलब कि भाई 10 लाख का पैकेज जिसमें लिख रखा है 2.5 लाख लोन फ्री इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेविंग्स इन लोन, बस मतलब ऐसे टाइम पास है। और जेनपैक्ट का काम है उसका 10 लाख के अराउंड है, 10-10.5। तो ये मैंने आज की पूरी डिटेल बदल दी है। अब अगर कल कोई अपडेट आएगी कंपनी में तो मैं आपको वो भी बता दूंगा साथ के साथ। तो इसी के साथ अभी आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, ठीक है। अब मिलेंगे एक नए व्लॉग में, नए दिन में, ठीक है। कल मिलते हैं, अब से थोड़ा रोज़ बनाऊंगा। और मेरे पास कोई है ये भी व्लॉग एंड करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? बाय बाय। फैन है ये किसका? ये डायलॉग जिसका उसका है, गैस कर दे सबको, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। देखते कौन बताता है। एम से है और पवई में रहता है। पवई में रहता है, अच्छा। और किरण मंदानी ने, अच्छा। तो चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।